अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट। बाइट इट के किचन में आज बन रही है बहुत ही आसानी से और झटपट से तैयार हो जाने वाली चिकन स्पैगेटी, जो कि हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो चलें अपनी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है एक कढ़ाई, उसके अंदर हमने डाला है एक टेबल स्पून के बराबर घी। आप ऑयल यूज़ करना चाहें आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने डाला है एक टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को हम अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन और उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। चिकन को मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया था। ये 150 ग्राम के बराबर जो है वो चिकन है, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने उसको स्ट्रिप्स में काट लिया है। उसको हम अदरक और लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। और देखें हमारे चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो फिर अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसके अंदर शामिल है 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून के बराबर धनिया। हम इसके अंदर डालेंगे अच्छी तरह से मसालों को चिकन के साथ मिक्स करेंगे, भूनेंगे। जब अच्छी तरह से ये भून रहे हैं, इधर दूसरी साइड पे हमने स्पैगेटीज़ को बॉयल करने के लिए रख दिया था। मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला था लेकिन ये बहुत ज़्यादा डल गया था। आप अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कलर के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए चिकन जो है वो मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल पानी, 1/2 कप के बराबर पानी डालेंगे और इसको चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे हमारी स्पैगेटीज़ जो हैं उनको हमने 7-8 मिनट तक बॉयल किया था और उन्हें पानी से निकाल लिया था और उसके ऊपर हमने फौरन के फौरन ठंडा पानी डाल दिया था ताकि हम उनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। अब चिकन हमारी गल चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिनके अंदर शामिल है 1/2 कप के बराबर गाजरें, 1/2 कप शिमला मिर्चें और 1/2 कप के बराबर ही बंद गोभी। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ मिक्स करेंगे ताकि सब मसाले जो हैं वो सब्जियों में रच जाएँ। हमने अपनी जो फ्लेम है उसको हल्का नहीं रखना है, क्योंकि हल्की फ्लेम पे सब्जियां जो हैं वो नरम हो जाती हैं और उनके अंदर से पानी निकल आता है। अच्छी तरह से सारी सब्जियों को चिकन के साथ मिक्स करेंगे और हमने इसको अभी ढकना नहीं है, हम इसको खुली पतीली में ही पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ और स्पाइसेस, जिसके अंदर शामिल है 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस, 2 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें। काली मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने चिकन में कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी इसलिए हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर ही काली मिर्चें डाली हैं और इसमें डलेगा 1 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर। आप अगर चाहें तो चिकन क्यूब भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे ताकि हमारी सब्ज़ियों में हर चीज़ में इसका फ्लेवर आ जाए। और इसके अंदर मैंने डाली थी थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के बराबर वाइट पेपर। अब हमने अपनी बॉयल की हुई मैक्रोनीज वो स्पैगेटीज़ जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे स्पैगेटीज़ को हम अपनी चिकन और वेजिटेबल्स के साथ। बहुत एहतियात के साथ आपने इसको मिक्स करना है, इसके आपकी स्पैगेटीज़ जो हैं वो टूटे ना। इस तरह से 2 स्पून्स लेके और देखें बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म की हमारी स्पैगेटीज़ रेडी होने लगी हैं। हम इसके अंदर अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस। अगर आपको पसंद है आप केचप भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं पकाते हुए। और देखें हमारी स्पैगेटीज़ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, इतनी जल्दी और झटपट से फ़ौरन तैयार हो जाती हैं और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको अपने घर में बनाएं, इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत टेस्टी माशाल्लाह से बनके तैयार होती है और बहुत ही कम मसालों से और बहुत जल्दी। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाइट इट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें मिलते हैं आपसे दोबारा फिर किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।